मेरे पीछे आप देखें, ये स्वयं सेवकों की भीड़ है। हर चार चार घंटे के ऊपर में स्वयं सेवकों की जो टीम है वो बदल जाती है, और ये केवल पहाड़ पे चढ़ने वाले उन लोगों की सुविधा के लिए दी गई है जो पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है या जिनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। ये इतनी सारी टीम है और ऐसे कम से कम मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में ऐसे स्वयंसेवक कार्यरत हैं। पीछे में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ी भी जो है पीछे में खड़ी है। ये जो स्वयंसेवक हैं ये केवल कर्नाटक के नहीं हैं, ये पूरे देश से हैं। स्काउट एंड गाइड की तरफ से ये स्वयंसेवक हैं और पूरे भारत से आकर ये अपनी सेवा दे रहे हैं। स्काउट एंड गाइड का ये बहुत ही सराहनीय कार्य चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक, कोई पेमेंट, कोई भुगतान नहीं है। ये सारा की सारा ये स्वेच्छा से ये काम को कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस सिक्योरिटी? दिस इज नॉट सिक्योरिटी, दिस इज द सर्विस टीम। वी आर 5000 मेंबर्स आर इंक्लूडिंग हियर। एवरी 5 days वी आर चेंजिंग द शिफ्ट्स। वन शिफ्ट 4000 पीपल्स वी आर ज्वाइनिंग। ये जो भुगतान नहीं मिल रहा है उसके बाद भी सेवा कर रहे हो, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे इसका कुछ फल नहीं मिल रहा है? फल की चिंता हम नहीं करते, हम सिर्फ सेवा करते हैं। फल की चिंता हो तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इधर, हमारा मेन काम है सेवा करने का, सो हम पहले सेवा करेंगे, दूसरा सब बांटता हूँ। कैसे कैसे सेवा कर रहे हो? पहले हम ट्रांसपोर्ट ड्यूटी करते हैं, जो लोग आते हैं ना उसको हम बस स्टैंड से इधर तक ले आकर छोड़ते हैं, तो जो भी उनको अनुकूल चाहिए वो हम देते हैं। और पहाड़ पे? पहाड़ पे जाके हम वाटर बॉटल देते, वाटर बॉटल सर्विस करते हैं, और जो कमज़ोर है ना तो उनको हम हेल्प करते हैं, जो ऊपर चढ़ने के लिए बच्चों को और बुजुर्गों को हेल्प करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लड़कियों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तुम लोग लड़की हो, तुम लोग करीब 8 घंटा सेवा करती हो, क्या कोई परेशानी नहीं होती है? ज़रूर नहीं होता है, क्योंकि हमारा मोटो है सर्विस देना पब्लिक के लिए। इतनी धूप और पहाड़ पे चढ़ना और उतरना, हमारे लिए ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है जिसके वजह से हम ऐसे सब कर सकते हैं। दिन में कई बार साफ सफाई होती है, जहां लाखों लोग आते हैं वहां गंदगी होना स्वाभाविक है, लेकिन दिन में कई बार साफ सफाई इस स्थल को रखा जाता है क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि ये पवित्र स्थल है। हर तरह की सुविधा पहाड़ पे चढ़ने वालों को यहाँ पे मिल सकती है। मन बनाइए, बस केवल आपका आने का इंतजार है। आप आइए और भगवान बाहुबली के दर्शन करके अपनी जिंदगी को बनाइए। वाह जिंदगी।